अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असदुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक नई पॉलिसी बना दी है जिसके मुताबिक दाखिले जो हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो न्यूज़ हैं वो चल रही हैं। न्यूज़ के अंदर अक्सर तालिब इल्म हैं वो इस तरह से जो पेज है अखबार का वो शेयर करते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने दाखिले जो है वो कैंसिल कर दी हैं। क्या तस्वीर इनशा आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स ने बात को समझना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएड 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन किया था, उसमें एडमिशन लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ये है कि आपके पास एमए या बीएस 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, तो फिर आप बीएड 1.5 ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमए एजुकेशन या बीएस एजुकेशन की बेस के ऊपर बीएड 1.5 ईयर के अंदर एडमिशन लिया था, उनको पहले 2 सेमेस्टर तो हो चुके थे, लेकिन तीसरे सेमेस्टर के अंदर उनके एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी कैंसिल कर रही है, क्योंकि एमए एजुकेशन और बीएड ये एक दूसरे की इक्वल है। बीएड 1.5 ईयर एमए एजुकेशन की इक्वल है और एमए एजुकेशन जो है वो बीएड और एमएड दोनों के इक्वल है। तो इस वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए एजुकेशन के बाद बीएड किया था तो वो उनका बीएड वेस्ट कर दिया जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने वैसे किसी सिंपल एमए के बाद बीएड किया है उनका बीएड कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एमए एजुकेशन के बाद जिन्होंने बीएड किया था उनके एडमिशन नहीं होंगे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैसेज इसके बाद से आपको आगाह कर दूं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलता है रूटी के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।